आपके सामने है अकोम के एक स्टूडेंट अमोनियन बैच नंबर 38 और नाम है तरुण। और बैच नंबर 38 और आपका कौन सा है 48 और 46 दो बैच बैठे हुए हैं, यानी लगभग 6 से 8 बैच पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। पर वैसे तो अपनी कहानी खुद ही बताएंगे, पर एक बात जो उन्होंने बोली कि सर बोलते हैं कि कोचिंग के 3 महीने ही कोचिंग के बाद ही सिलेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। तो स्टूडेंट जब आता है तो बिलीव नहीं करता, वो सोचता है कि ऐसा थोड़ी होता होगा कि कोचिंग के 3-4 महीने में सिलेक्शन हो जाए। तो आज ऐसे ही स्टूडेंट से ही मिलवाते हैं जिनका सफर अकाउंट में बहुत छोटा सा रहा कि कोचिंग शुरू की और 3-4 महीने बाद ही एग्जाम दिया और सिलेक्शन हो गया। तो एक बार जोरदार तालियों से सपोर्ट करता, कभी भी उनको पूछो किस टाइम भी बताएंगे आपको कि कैसे क्वेश्चंस करना है।
तीन चार महीने के बाद ही सिलेक्शन हो सकता है। ये बात इसलिए बोली क्योंकि हाल फिलहाल में अभी दोनों ही बेंच अच्छे बैठे हुए हैं, जिनका एक का थोड़ा सा समय ज्यादा हुआ है, एक का होने वाला है और एग्जाम आए हुए हैं। इस वजह से मैंने ये बात बोली कि आप ये मत सोचना कि मेरा तो चांस ही नहीं है, ये बिल्कुल मत सोचें। ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने आते रहे हैं और हम मिलवाते रहेंगे बच्चों से। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि यहाँ पे कोई भी टीचर है वो तैयार है आपके लिए, बस कि आप पीछे न जाए। सारे टीचर्स का नाम इन्होंने बताया, ऐसी टीम आपको कहीं नहीं मिल सकती। आप कई जगह जाएंगे, पैसा दिया, फीस जमा कराई, ठीक है, काम खत्म, टीचर को अपना सिलेबस कराओ, मैं बात खत्म। लेकिन यहाँ की जो टीम है वो बहुत डेडिकेटेड है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि हम खुद अभी तक पढ़ा रहे हैं इतने लंबे समय से। तो एक बार जोरदार तालियां करूँ, उम्मीद करता हूँ कि बाकी रहे। और रोहित सर इसके बारे में कई बार बता चुके हैं, तो आपको अब तो रट गए होगा वो डायलॉग कि जब भी आप इस ट्रॉफी को अपने घर में देखें तो आपके चेहरे पर एक स्माइल आनी चाहिए, एक मुस्कुराहट आनी चाहिए। एक संघर्ष का टाइम था जब मैं अकाउंट गया था, और मेरे जीवन की सबसे ज़्यादा पढ़ाई मैंने उसी समय की थी, और उसी की वजह से शायद मैं आ सकता। क्या मैंने सही बोला? Yes, मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी उतना पढ़े हो गया जितना अब यहाँ आने के बाद पढ़ रहे, कभी सोचा भी नहीं होगा शायद कितना मैं पढ़ूंगा। चलिए,